Hello friends, myself Hina Pangavane. I am currently working as a lecturer in Chemical Department, KKR Polytechnic, Nasik. Today we are going to discuss fluid catalytic cracking. अब हम देखते हैं कि fluid catalytic cracking क्या होता है. उसके पहले हम देखते हैं कि cracking मतलब क्या होता है. Cracking मतलब जो हमारे पास lower value stock होता है उसे हम हायर वैल्यू स्टॉक में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, क्रैकिंग के दो टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन होता है कैटालिटिक क्रैकिंग एंड सेकंड वन होता है थर्मल क्रैकिंग. अब सिंपली कैटालिटिक क्रैकिंग में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन होते हैं उसे हम कन्वर्ट करते हैं सिंपल हाइड्रोकार्बन में. ओके, विद प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. इसमें भी सेम होता है, जो कोई भी कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल हाइड्रोकार्बन में विद द हेल्प ऑफ हाई प्रेशर एंड हीट. ओके, अब कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है, जिसका मोलेकुलर वेट ज्यादा है या फिर जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन. और उसे हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, सिंपल हाइड्रोकार्बन, जो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट होता है. ओके, अब फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द क्रैकिंग, कैटलिस्ट क्रैकिंग. यहाँ पे जो रो ऑयल चार्ज होता है, मतलब जो हीवी ऑयल होता है, उसे हम पहले क्या कर लेते हैं, प्रीहीटेड कर लेते हैं और पंप के सहाय से हम उसे पास करते हैं राइजर में पास करते हैं. राइजर आप देख सकते हैं एक लंबा सा बड़ा सा पाइप है. ओके, जब हम जो ऑयल है वो राइजर में पास करते हैं और यहाँ से जो रिजनरेटेड कैटलिस्ट आता है तो यहाँ पर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस होती है. मतलब वो फीड को क्रैक करके वेपर में कन्वर्ट कर देती है. ओके, ये अब तो यही हो गया ड्यूरिंग द रिएक्शन. बट ड्यूरिंग प्रोसेस क्या होता है, कुछ मात्रा में कोक तैयार होता है और वो जो कोक होता है वो कैटलिस्ट के अंदर जा बैठता है. ओके, जो कैटलिस्ट के अंदर जो कोक जा बैठता है उस कैटलिस्ट को कहते हैं स्पेन्स कैटलिस्ट. अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जो भी कोई स्पेन्स कैटलिस्ट है वो पास करते हैं रिजनरेटर में. ओके, अब स्पेन्स कैटलिस्ट मतलब क्या होता है, जो भी डीएक्टिवेटेड कैटलिस्ट उसे कहते हैं. अब हमें क्या करना है, जो हमारा डीएक्टिवेटेड कैटलिस्ट है उसे हमें क्या करना है, एक्टिवेटेड करना है. ओके, इसलिए हम स्पेन्स कैटलिस्ट कहाँ पे पास करते हैं, रिजनरेटर में पास करते हैं और वहां पे उसे क्या करते हैं, एट हाई टेम्परेचर पे उसे क्या करते हैं, बर्न करते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ से ब्लोअर से हॉट एयर पास हो रही है और यहाँ पे क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस होती है. ओके, अब हमारा क्या हो गया है, जो कुछ डीएक्टिवेटेड कैटलिस्ट था वो क्या हो गया है, एक्टिवेट हो गया है और वहां से हम क्या करते हैं, जो रिजनरेटेड कैटलिस्ट है वह कहाँ पास करते हैं, यहाँ राइजर में पास करते हैं. ओके, अब तो ये हो गया. अब हम देखते हैं कि रिएक्टर में क्या होता है. अब जो वेपर तैयार हुआ होता है, प्रोडक्ट वेपर, वो हम कहाँ पर पास करते हैं, रिएक्टर में पास करते हैं, पर उसमें कुछ मात्रा में कैटलिस्ट भी प्रेजेंट होता है. अब रिएक्टर क्या करता है, यहाँ पर रिएक्टर में होते हैं साइक्लोन सेपरेटर. तो साइक्लोन सेपरेटर क्या करते हैं, वेपर और कैटलिस्ट उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं. वो क्या करते हैं, जो वेपर है उनको कहाँ पास करते हैं, फ्रैक्शनेटर कॉलम में पास करते हैं और जो कैटलिस्ट है उनको अगेन कहाँ पास करते हैं, रिजनरेटर में पास करते हैं. ओके, अब जो वेपर है वो कहाँ पास किया हुआ है, फ्रैक्शनेटर कॉलम में पास किया हुआ है और वहां पर हमें एट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट प्रोडक्ट ऑकर्स होते हैं. आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है गैस C4 प्लस लाइटर गैसोलीन, गैस लाइट गैस ऑयल एंड हेवी गैस ऑयल. ओके, एट द बॉटम ऑफ द फ्रैक्शनेटर हमें क्या मिलता है, एक क्रूड ऑयल मिलता है. जो क्रूड ऑयल हम पंप के सहाय से
फिर अगेन कहाँ पर पास करते हैं, स्लरी सेटलर में पास करते हैं। स्लरी सेटलर में क्या होता है, जो भी कुछ स्लरी आई हुई होती है उन्हें उसे हम क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। और फिल्टर करने के बाद एट द टॉप ऑफ द स्लरी सेटलर हमें मिलता है क्लेरिफायर स्लरी। एंड जो फिल्टर होने के बाद जो भी कुछ सोल्यूशन रिमेनिंग हो जाता है उसमें कुछ मात्रा में कैटलिस्ट प्रेजेंस होते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं कैटलिस्ट सॉल्यूशन। वो कैटलिस्ट सॉल्यूशन हम फिर से कहाँ पास करते हैं, राइजर में पास करते हैं। ओके, इस तरह से है फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोसेस टेक प्लेस होती है। थैंक यू।